आज हम बात करने वाले हैं पीएसवी और पीआरवी के डिफरेंस के बारे में कि पीएसवी और पीआरवी में क्या अंतर होता है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह। तो पीएसवी और पीआरवी में डिफरेंस जानने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पीएसवी और पीआरवी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीएसवी और पीआरवी क्या है। सो दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस इन द प्रेशर सिस्टम हुज प्राइमरी पर्पस इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एन ओवर प्रेशर इवेंट इन अ प्रेशराइज्ड वेसल और इक्विपमेंट। यानी कहने का मतलब है कि पीएसबी या फिर पीआरबी एक ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे लाइफ यानी जीवन के साथ साथ हमारे प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है जब किसी भी प्रेशराइज्ड वेसल या इक्विपमेंट में ओवर प्रेशर हो जाता है, यानी जब प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक वेसल या किसी भी इक्विपमेंट में ओवर प्रेशर हो जाने पर अगर उसे रिलीज नहीं किया गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पीएसवी एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका मेन पर्पस जो है वो किसी भी इक्विपमेंट के ओवर प्रेशर को रिलीज करना है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि पीएसवी और पीआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए पीएसवी का मतलब होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व और पीआरवी का मतलब होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। कहने के लिए तो देखिए दोनों का मकसद एक ही है, यानी दोनों एक ही काम करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करते हैं। आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि लगभग 95% लोग ऐसे हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर जिनको पीएसवी और पीआरवी में डिफरेंस नहीं है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्लांट में काम कर रहे हैं, जिस रिफाइनरी के अंदर काम कर रहे हैं, आप वहां किसी भी अपने सीनियर टेक्नीशियन या ऑपरेटर, इवन मैं तो सुपरवाइजर की भी बात कर रहा हूं, आप सुपरवाइजर से भी पूछ लीजिएगा, आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा कि पीएसबी और पीआरपी में अंतर क्या होता है। तो चलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं पीएसबी और पीआरपी का डिफरेंस क्या होता है। देखिए पीएसबी या पीआरवी का एक ही मकसद है, ओवर प्रेशर से प्रोटेक्शन करना। जहां भी प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हो जाए किसी भी इक्विपमेंट में तो उसको रिलीज करके इक्विपमेंट के साथ साथ मैन पावर के साथ साथ प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को सेफ करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर किसी भी इक्विपमेंट में ओवर प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर कहां से आता है या फिर क्यों आता है, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखते हैं कि पीएसबी में क्या होता है। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, मेन जो हमारा डिफरेंस था यहीं से शुरू हो रहा है, हम अब डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि पीएसबी में होता क्या है, कैसे काम करता है। जो भी हमारे पास पीएसबी यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है तो उसे एक फिक्स प्रेशर पर सेट कर दिया जाता है, यानी जैसे ही इक्विपमेंट का प्रेशर उस फिक्स प्रेशर वैल्यू तक पहुंचेगा तो वो वाल्व जो है ओपन हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देगा। सपोज आपके पास पीएसबी है जिसका मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू आपने 25 बार सेट किया हुआ है, तो उस इक्विपमेंट में जैसे ही 25 बार से भी थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा हुआ तो पीएसबी अब उस प्रेशर को रिलीज कर देगा। अब देखिए पीएसबी का यूज जो है वो हमेशा कंप्रेसिबल फ्लूइड और गैस फिल्ड इक्विपमेंट में ही किया जाता है। बड़े ध्यान समझिएगा, यही मेन पॉइंट है हमारा, यही समझने वाली बात है कि पीएसबी का यूज हमेशा कंप्रेसिबल फ्लूइड और गैस फिल्ड इक्विपमेंट में किया जाता है, यानी वेसल या इक्विपमेंट में जहां पे गैस है या वेपर है या फिर स्टीम है, जो भी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स है इसको कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं, तो उसमें हम पीएसबी का यूज करते हैं, यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। बड़े बारीकी से समझिएगा इसको कि पीएसबी में जब भी सेट प्रेशर वैल्यू पर इक्विपमेंट का प्रेशर पहुंचेगा तो पीएसबी सडन ओपन हो जाएगा, यानी जैसे ही वाल्व सेट प्रेशर पर पहुंचा पीएसबी वाल्व पूरा ओपन हो जाएगा और सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा,
जबकि पीआरवी में यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व के केस में ऐसा नहीं है। तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीआरवी के केस में क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि पीआरवी जो है वो हमेशा ही लिक्विड फील्ड इक्विपमेंट या फिर वेसल के अंदर यूज किया जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने कहा कि पीएसवी जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही पीआरवी जो है वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूड यानी लिक्विड फील्ड वेसल या इक्विपमेंट के लिए किया जाता है। बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि जो भी दिक्कत है या कंफ्यूजन है वो यहीं पर है, इसी पॉइंट में कंफ्यूजन है, जो लगभग 95% लोगों को नहीं पता है कि पीएसवी कब यूज होगा और पीआरवी कब यूज होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पीआरवी जो है वो लिक्विड फील्ड इक्विपमेंट यानी कि नॉन कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए यूज किया जाता है। और जब भी जो भी सेट प्रेशर है, जैसे पीएसवी में सेट प्रेशर होता था वैसे इसका भी सेट प्रेशर होता है, उस पर अगर इक्विपमेंट का प्रेशर पहुंचता है तो पीएसवी की तरह अचानक ओपन नहीं होगा, ये क्या होगा, अनुपात में ओपन होगा, यानी उसी रेशियो में ओपन होगा। कहने का मतलब कि जिस रेशियो में इक्विपमेंट का या फिर वेसल का प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा सेट प्रेशर से, उसी रेशियो में वाल्व ओपन होता जाएगा और प्रेशर को रिलीज करता जाएगा। अगर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में वाल्व भी ग्रेजुअली ओपन होगा, अचानक से बिल्कुल ओपन नहीं होगा। इसमें पॉपअप अचानक से सडन प्रेशर रिलीज नहीं होता है पीआरवी के अंदर। यही सब डिफरेंस है, ये छोटी छोटी बातों का डिफरेंस है। बाकी जब भी आप किसी से पूछिएगा तो वो कहेंगे अरे यार वो तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पीएसवी और पीआरवी एक ही है। तो लगभग 95% लोगों को ये बारीकी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप इन बारीकी को समझ गए होंगे कि पीएसबी और पीआरवी में क्या अंतर है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपसे कोई भी क्लाइंट पूछता है इंटरव्यू में या फिर ऐसे नॉर्मली कोई पूछता है कि भाई पीएसबी और पीआरवी में क्या डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर देना है, घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल बताइए कि पीएसबी जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूड यानी गैस, पेपर या स्टीम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है या वेसल है जहाँ पे स्टीम जनरेट होता है या फिर वेपर है या फिर गैस है, तो उस केस में हम पीएसबी का यूज करेंगे। और सेट प्रेशर पर जैसे ही इक्विपमेंट का प्रेशर पहुंचता है तो वो अचानक से सडन पूरा का पूरा वाल्व ओपन हो जाता है और वो पूरे प्रेशर को रिलीज कर लेता है। जबकि पीआरबी के केस में क्या है कि पीआरबी का यूज हम नॉन कंप्रेसिबल फ्लूड यानी लिक्विड फील्ड इक्विपमेंट के लिए किया जाएगा, जो कि सेट प्रेशर पर पहुंचने के बाद उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में वो प्रेशर को रिलीज भी करेगा, ना कि पीएसबी की तरह अचानक से रिलीज कर देगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है पीएसबी और पीआरवी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि पीएसबी और पीआरवी को लेकर जो भी प्रॉब्लम या दिक्कत थी वो अब क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आपको लग रहा है या फिर डिटेल में पीएसबी और पीआरबी के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने हसीन दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाइएगा। और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं यानी हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी रिलेटेड वीडियोस अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।